देखिए मेकेनिज्म में अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं आप हेडिंग दीजिएगा अगला मैकेनिज़म में आप लोग अगला हेडिंग दीजिएगा एक लिखिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है इसमें जो सबसे पहली चीज हमको पढ़ना है वो है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी या इसका एक और नाम होता है मिजेन एमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी लिख सकते हैं इसको मिजेन हेमर एम आई एस ई -E एन एम आई एस ई एन एम आर एच आई एम ई आर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक नोट कर लीजिए देखिए इसके बारे में पहले हम आपको पॉइंट लिखाते हैं कि कैसे ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी वर्क करता है तो स्टेप फर्स्ट लिखिएगा इसमें स्टेप फर्स्ट लिखिए लिखिएगा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जेनरेटेड इन एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल जेनरेटेड इन रिएक्शन मीडियम रिएक्शन मीडियम विल प्रीफर विल रेजियो सेलेक्टिवली रेजियो सेलेक्टिवली रेजियो सेलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग रेजियो सेलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग एंड देन, एंड देन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम एंड देन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम एंड मेक एंडमेक एंड पाइबोंड पाई पाइबोंड ठीक है पाइबोंड पाइबोंड लिखिए या फिर ये लूज इंटरेक्शन लिख लीजिए पाइबोंड के ब्रैकेट में लिख लो लूज इंटरेक्शन लूज इंटरेक्शन ठीक है लूज इंटरेक्शन टू फॉर्म मतलब पाए बॉन्ड टू फॉर्म सिग्मा कॉम्प्लेक्स सॉरी टू फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स एक्चुअली स्टार्टिंग के फेज में जो इसका नाम होता है शुरू वाले स्टेप में ट इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स क्यों होता है अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा सेकेंड स्टेप लिखिएगा इसका स्टेप टू स्टेप टू लिखिए लिखो देन मेक अ सिग्मा बोंड देन मेक अ सिग्मा बोंड टू टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन देन मेक अ सिग्मा बोंड टू इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन और एटम और एटम एंड मेक और एटम मत लिखो सीधा लिखो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम एंड मेक अ कार्बोकेटाइन एंड मेक अ कार्बोकेटाइन कॉल्ड कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स ठीक है इसको डैश देकर लिख लो आर डी एस यही आपका आरडीएस होता है तीसरा पॉइंट लिखो स्टेबलाइज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटीरेक्शन स्टेबलाइज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट नॉट इंटीरेक्शन स्टेबलाइज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट ब्रैकेट में लिख लो कार्बो स्टेप थर्ड था स्टेबलाइज सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बो कैटाइन स्टेप फोर लिखो इप्सो रिमूवल ऑफ स्टेप फोर इप्सो रिमूवल ऑफ प्सो रिमूवल ऑफ एच प्लस दूसरा ऐसो टोप भी ले सकते हो डी प्लस एच प्लस डी प्लस एच जी एक्स प्लस टू गिव टू गिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टू गिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और ये आपका फास्ट स्टेप होता है क्या होता है स्टेप तो इसको नोट कर लीजिए फिर हम आपको दिखाते हैं चारों स्टेप को बस समझिएगा आप थोड़ा सा कि कहना क्या चाह रहा है सबसे पहला स्टेप में कह रहा है कि सबसे पहले क्या करो लूज पाइबोंड बनाओ देखो बताते हैं हम आपको देखिएगा ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको करके हम आपको दिखाते हैं इसमें कि क्या होगा सबसे पहली बात किसकी बात कर रहे हैं हम लोग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक्सन की बात कर रहे हैं तो जब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन की बात करेंगे इट मीन्स हमको क्या चाहिए एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए तो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल कौन ये देगा ये हमको फॉर्माइल जनरेट करता है फॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल तो सी एच ओ प्लस ये क्या हो गया हमारा फॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल ठीक अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो दो रिंग दे रखा है हमको सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग रेजियो सेलेक्टिवली ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली रिच की बात करें इस दोनों में अगर हम रेजियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे तो हमको क्लियरली दिखेगा कि ये जो नाइट्रोजन वाला रिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है लेकिन हमको क्लियरली दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है आपको क्लियरली इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप इसमें एम के इंडक्टिव इफेक्ट से इसके इलेक्ट्रॉनिकली रिच होने को बता रहे हैं लेकिन यहाँ पर अगर एम ना हो तो भी ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा इसका कारण क्या है क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिकल मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड कर लेता है तो रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर ये मतलब आप ये कहिए ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी ऑर्बिटल होने की वजह से उधर कंट्रीब्यूशन में चला जाता है तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है एज कंपेयर टू इसके और दूसरा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा ये फैक्टर इफेक्ट करेगा यहाँ पर मतलब ऑर्बिटल वाला फैक्टर तो उस डी ऑर्बिटल की वजह से मतलब अगर यहाँ पर एम ना भी हो तो भी ये रिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा तो हमको ये बात पता चल गई कि मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच कौन सा है और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली रिच का पता चला तो आप सीधा क्या कीजिए कि जब इलेक्ट्रॉनिकली रिच पता चल गया तो बना लीजिए पहले क्या करो इसको बनाओ ये कर लो और ये कर लो ठीक है अब इसमें क्या है जैसे ही आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच ये वाला रिंग है तो इसमें नंबरिंग दे दो दिस इज अल्फा दिस इज ऑल्सो अल्फा दिस वन इज बीटा और ये भी बीटा अब अगला स्टेप हमारा क्या था थ्योरी में थ्योरी में नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमको उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिच पोजिशन खोजना है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच एटम खोजना है और फिर से जो हमारा एक्टिव um, इलेक्ट्रोफाइल है उस एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को एक लूज बॉन्ड क्रिएट करना है तो लूज बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है ये एक्चुअली क्या है ना कि ये आपका पूरा पाई कॉम्प्लेक्स है तो इस पाई मतलब पाई बॉन्ड है पाई रिंग है इस पाई रिंग के साथ सी एच ओ का लूज इंटरेक्शन बनता है क्या होता है लूज इंटरेक्शन सी ओ एच ठीक है इसका यहां पर क्या हो रहा है लूज इंटरेक्शन हो रहा है और दिस इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स फर्स्ट स्टेप में जो हम आपको पाई कॉम्प्लेक्स की बात किए थे वो यही थी पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है अब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है मतलब पहले बन जाएगा ये पाई कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इलेक्ट्रोफाइल एड होगा एड इलेक्ट्रोफाइल एड अल्फा कार्बन अब अल्फा पे क्यों जुड़ेगा तो हमको इलेक्ट्रोफाइल उस जगह पे जोड़ना है अल्फा पे जोड़ें या बीटा पे जोड़ें ऐसे जगह पे जोड़ेंगे जिसके जुड़ने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबलाइज हो सके ज्यादा स्टेबलाइज हो सके तो देखिए क्या होता है एक्चुअली अगर आप इसको ऐसा कर दें ठीक है क्या करो यहां पर जोड़ दो सी एच ओ ठीक है और आगे क्या करो बोंड को ये इधर अब क्या होगा इसके बाद ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो जब आप इसका रेजोनेंस करवाएंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इधर एम ई लगा दो सी एच ओ यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां एम ई e. ठीक है अब क्या होगा यहां पर आगे क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो अटैक करेगा और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है तो इससे पहले क्या होता है एक चीज ध्यान दीजिएगा ये जो कार्बोकेटायन है अगर आप इस जगह को छोड़ के मतलब जहां पर जोड़े हैं यहां पर जोड़े तो यहां पर जोड़ने से मतलब CHO जो हम इस पोजीशन पे जोड़ रहे हैं उस सी एच ओ को अगर आप यहां पर जोड़े तो आप बनाकर देखिएगा उसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं हो पाएगी उसके जो कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा यहां पर जो क्रिएट होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा जितना ज्यादा कि इससे हो रहा है अब क्या होगा इसके बाद क्या था नेक्स्ट स्टेप में कि इप्सो कार्बन जो है आपका उस इप्सो कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको या ड्यूटेरियम है उससे आप स्टेबलाइज करवाइए तो ये क्या होगा इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा मतलब इसका जो रिमूवल मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा पहले इधर देख लीजिए एक्चुअली ये बॉन्ड थोड़ा सा ये देखो ये है और ये है एम ठीक है लगा दो इसमें एक्चुअली ये वाला जो लोन पेयर था इधर वाला ये इधर आ गया तो ये कुछ इस तरह से हो गया अब नाइट्रोजन पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज तो ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ इस तरह से ये इधर आएगा और ये आपका इधर आएगा और ये आपका इधर आएगा देन जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा इससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का वो कुछ इस तरह से आएगा सल्फर था यहाँ पे ध्यान रखना ये ठीक है ध्यान रखिएगा जो आपका जिस कार्बन पे आप जोड़ रहे हैं ना उसी कार्बन को इप्सो कार्बन बोलते हैं और इप्सो कार्बन पर जो हाइड्रोजन है या ड्यूट्रियम है हाइड्रोजन हो सकता है ड्यूट्रियम हो सकता है जो भी हो आप उसको हटाएंगे और उसको लगाएंगे तो ये बात आपको समझ आ गया कि इसी पर मतलब दो नंबर पे ही हम क्यों जोड़ रहे हैं फॉर्माइल को तीन नंबर पे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं तीन नंबर पर जोड़ने से दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहीं पर जोड़ रहे हैं अब देखिए क्या है एक में तो हम आपको बता दिए करके अब आप इस वाले क्वेश्चन में खुद से ट्राई कीजिएगा इसको करने का सेम चीजें हैं यहां पर भी आपको जो ये दे रखा है यही नाइट्रोजन वाला आपका इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट होगा मतलब रिच होगा और इसके इलेक्ट्रॉनिकली रिच होने की वजह से रिएक्शन इसी पे होगा बट कैसे होगा ये आप करके देखिएगा ठीक है तो इसको पहले नोट कर लीजिए फिर हम आपको दिखाते हैं अब देखिए इसमें क्या दे रखा है एक्चुअली चूंकि क्या है ना कि विलेंड इसका नाम दिए थे इस थ्योरी थे। इस का इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं विलेंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी और वहां पर एक दूसरे साइंटिस्ट दिए हैं तो वहां पर हम उनका नाम लेते हैं सॉरी यहां पर जो हैं मिजे लिए हैं इसका तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं मिजे सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी और उधर वाला जो है उसमें विलेंड लिए हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं विलैंड विलैंड वाला ज़्यादा फेमस है इनका वाला थोड़ा कम है तो इसको लोग कम जानते हैं थोड़ा बट हायर क्लासेस में पढ़ना है ये भी अब देखिए आगे देखते हैं हम अब एक्चुअली हम इस रिएक्शन को मतलब ये जो पूरी चीज़ की है इसमें थोड़ी सी बात आपको समराइज करके बता देते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग लेना है क्या लेना है इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग और इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग सेलेक्ट करने के बाद जब हम रेट ऑफ सेलेक्टिवली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का जब हम रेट देखते हैं मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन का जब हम रेट देखते हैं तो वो आपके स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकेटाइन के प्रोपोर्शनल होगा मतलब जिसमें जितना ज्यादा सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेब एक्चुअली क्या बात है इतना भाषण देने की जरूरत ही नहीं है हम जो आपको स्टेप लिखाए हैं उसमें जब आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला स्टेप लिख रहे हैं उसमें हम आपको क्या लिखा है आर डी एस तो जो आपका आर डी एस है वही तो रेट को डिटरमाइन करेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी होगा वही आपका रेड डिटरमाइनिंग स्टेप होगा तो आपका पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी के ऊपर तो अब देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी तो ठीक बात है लेकिन कुछ रिंग हम आपको दे रखे हैं ये जितना भी रिंग दे रखा है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी इस सब रिंग में आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आप चेक करेंगे तो आप इसके बीच में बहुत सारी चीजें कंपेयर कर पाएंगे तो देखिएगा हम तीन रिंग आपको लेके बताते हैं और आप खुद ही बताएंगे एक तो आपका फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग ले लीजिए यह है एक आप सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग ले ली ये हो गया आपका और तीसरा आप बेंजीन ले लो देखिए इस तीनों में अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो अगर हम इसकी बात करें मतलब इसको आप पेरिडीन समझ लो इसको आप बेंजीन समझ लो और इसको आप कोई फाइव मेंबर्ड कंपाउंड समझ लो तो सबसे ज़्यादा अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे तो वो इसमें करेंगे उसके बाद अगर आप किसी में करेंगे तो वो इसमें करेंगे और सबसे कम अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे तो वो इसमें करेंगे क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है, फाइव मेंबर्ड कंपाउंड है मतलब फाइव मेंबर्ड रिंग है और छह इसके अंदर होते हैं आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो छह है तो हम आपको कई बार बता चुके हैं तो 1.2 के आसपास इसका पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आता है अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो एटम होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करवाता है आपके एरोमेटिसिटी uh, में तो उस वजह से वो जो इफेक्ट डालता है वो विड्रॉइंग इफेक्ट हो जाता है इस वजह से ये कम होगा सबसे कम होगा और ये इस दोनों के बीच में आएगा बेंजीन तो अब क्या है कि इसके बिहाब पर आप इस सब के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं अब देखो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना होगा इसका सबसे कम हो जाएगा अब इस तीनों का बी सी और डी इसका बी सी और डी इसका ज्यादा होगा किससे ए ई e, एफ और जी इससे एक रफली ये तो निकाल ही लिया अब अगर हम कहें सबसे कम तो आप वो भी बता सकते हैं लेकिन ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप ये करके देखिएगा कि जैसे एक फाइव मेंबर से सिक्स मेंबर से फाइव मेंबर अटैच है दो सिक्स मेंबर अटैच है और दो सिक्स मेंबर अटैच है तो इस तीनों के अंदर क्या इफेक्ट होगा कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा रिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट है तो वो आप करके देखिएगा अब देखिए अब हम एक दूसरी बात पे आते हैं एक बात पिरीडीन के लिए आप लिख लीजिए पहले एक बात आप पिरीडीन के लिए लिख लीजिए लिखिए पिरीडीन कंटेनिंग पिरीडीन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग पिरीडीन कंटेनिंग ए हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट टाइप इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट टाइप हेंस हेंस रेट ऑफ रेट ऑफ aromatic electrophilic substitution rate of aromatic electrophilic substitution is less in compared to less in compared to this containing this matlab ye this containing heterocyclic ring this containing heterocyclic ring because बिकॉज इट इज इट इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच ठीक है तो ये इसकी बात हो गई अब आप क्या करेंगे अब आप ओवरऑल सब में कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे होगा इस सब का अब देखिए एक बात हम आपको बताते हैं एक साधारण सी बात है कि होगा कैसे रिएक्शन बेसिकली तो जो चीज़ हम वहाँ पर बताए हैं अभी आपको सेम वही बात है एक कॉन्सेप्ट में हम आपको बता देते हैं कि जब आपको दे दिया जाए कंपैरिजन करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के रेट को तो कैसे करेंगे तो रेट को कंपेयर करने के लिए जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि जितना भी आप उसमें ग्रुप लगा रखे मतलब इस एक्स के जगह पर जो भी लगा रखे हैं नाइट्रोजन दे रखे हो ऑक्सीजन दे रखे हो सल्फर दे रखे हो वो अपना लोन पेयर कैसे डिलोकलाइज करवा रहा है जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा तो इस बेसिस पे आप उसके स्टेबिलिटी को वहां पर चेक कर सकते हैं ठीक है अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्वेश्चन बताने से पहले आप एक काम भी करेंगे इस सब में जितना भी दे रखा है इस सब में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के रेट को भी कंपेयर करेंगे और यह सब आप हम लोग हमसे चेक करवाइएगा कि इसमें आप क्या रेट को कंपेयर किए हैं अगर आप कर पाए तो ठीक है नहीं कर पाए तो फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका रेट क्या होगा होता क्या है बेसिकली कि पिरीडीन क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता नहीं है तो चूंकि होता नहीं है तो हम जबरदस्ती इसमें रेट को कम्पेरिजन नहीं करेंगे ठीक है तो यह बात आप लिख लीजिएगा लिखिए फॉर पिरीडीन क्यूनोलिन एंड आइसो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज वेरी स्लो इज वेरी स्लो एंड नॉट कॉम्पेरेबल एंड नोट कॉम्पेरेबल लेकिन इस सब के बीच में आप कॉम्पेयर करके देखिएगा अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं बहुत अच्छा है अगर आप ये ले लें मान लीजिए ये ले लें ले अगर आप और इसके ऊपर क्या लगा दो एच एच ओ एम ई टू एन एच ये लगा दो अगर आप ठीक ये क्या करेगा ये आपका सीधा ये जनरेट कर देगा इमिनियम साल्ट सी एच टू एनएमई टू ठीक है ये आपका यूमिनियम साल्ट जनरेट कर दिया और आगे कार्बोकेटाइन बन जाएगा बना दो सी एच टू एन एम टू ठीक है अब देखिए अब क्या होगा कि आपके पास दो पॉसिबिलिटी है मतलब हमको इसके ऊपर अटैक करवाना है सिंपल सी बात है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच रिंग होगा उसके ऊपर होगा दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच तो इसके ऊपर हम अटैक करवाएंगे तो देखो एक पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि ठीक है क्या करो सी एच टू एनएमई टू ठीक है, ये कर दो और इलेक्ट्रोफाइल यहां बना दो जो कि आप पहले किए थे मतलब अल्फा कार्बन पे जब आप लगा देंगे एड इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल एट अल्फा कार्बन ठीक है दूसरा कंडीशन क्या बनता है इसी केस में यह सेम चीज अगर आप कर रहे हैं तो दूसरे कंडीशन में आप इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर जोड़ दें ये कर दो सी एच टू टू ठीक है और यहां बना दो कार्बोकेटाइन तो अगर आप ये करते हैं तो इस केस में अब देखिए अब आप ये बताइए हमको कि अल्फा के ऊपर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर बीट, इसमें जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आप चेक कीजिए इसको भी चेक कीजिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है कहां अल्फा कार्बन पर और यहां पर कहां बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल एट बीटा कार्बन कहां पर जुड़ रहा है बीटा कार्बन पर जुड़ रहा है अब देखो इसको देखो इसको देखो इसमें अगर आप स्टेबलाइज करें इस कार्बो कैटायन को तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको इसको इधर से लाना पड़ेगा ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिफ्ट करवाना पड़ेगा और अगर आप इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करवाएंगे इधर तो इस वाले रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है तो अगर इस रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है तो इस ये एरोमेटिसिटी का लूज होना अगर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना रहा है तो ओवरऑल ये सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि एरोमेटिसिटी सबसे बड़ा फैक्टर है कहीं भी स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी चेक करने के लिए तो ये रिंग क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा लेकिन अगर हम इस जगह पर बीटा पोजीशन पर लगा दें CH2, NME2, और उसके बाद उसके ऊपर बीटा पे लगा हुआ हाइड्रोजन से अगर हम इधर कर दें तो उसके बाद जो बनेगा हमारा वो जो होगा वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो ये कुछ इस तरह से आपका बन के आ जाएगा ठीक है ये हो जाएगा तो इसमें जो एक बात ध्यान रखने लायक है वो ये है कि मूंद के कहीं पर नहीं करना है क्वेश्चन को ये नहीं कि दो नंबर दो नंबर दो नंबर पोजीशन याद रखे और जहां पर भी आ रहा है पांच मेंबर वाले रिंग में दो नंबर पे लगाते जा रहे स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए कि कहां पर स्टेबिलिटी गेन हो रही है और कहां पर नहीं हो रही है इस केस में स्टेबिलिटी इसके द्वारा इस हाइड्रोजन से यहां गेन हो रही है लेकिन दो नंबर पर जोड़ने पर इस रिंग की एरोमेटिसिटी लूज हो रही है कमजोर हो रही है तो इस वजह से यह वाला यहां पर कम स्टेबल होगा और यह यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा और यह आपका मेनिच बेस की तरह आगे काम करेगा और यह आपका रिएक्शन हो गया ठीक है तो ओवरऑल हम आपको बता दिए कि कैसे हम लोग आ, मतलब क्या क्या कंडीशंस हो सकती है जिसको कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी में मिजेनेमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी था ये इसकी सारी बातें हम आपको बता दिए हैं इसको नोट कर लीजिए